अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 2 तक जो काम किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अगर आपको उन क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से अपना काम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें भी हमारे पास रैशनलाइजेशन के ही क्वेश्चन हैं और सिंप्लीफाई ही करना है हमें, और इसका हमारे पास पार्ट 1 है। हम पार्ट 1 से शुरू करने जा रहे हैं और ये है हमारे पास √(x + 3) + √(x - 3) और डिनोमिनेटर में है हमारे पास √(x + 3) - √(x - 3) इस तरह से। और स्टूडेंट वही काम करना है जो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है, और कॉन्जुगेट भी किसका लेना है, डिनोमिनेटर का। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। और डिनोमिनेटर में क्या है, √(x + 3) है −√(x - 3), तो बीच वाले को प्लस लेके हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा √(x + 3), प्लस का साइन, √(x - 3) और डिनोमिनेटर में है √(x + 3) - √(x - 3) और मल्टीप्लाई डिवाइड करवाएंगे हम √(x + 3), सिर्फ कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस √(x - 3) और डिनोमिनेटर में भी यही रहेगा √(x + 3) प्लस √(x - 3), राइट। अब अगले स्टेप में ये हमारे पास 2 दफा हो गया √(x + 3) प्लस √(x - 3) और √(x + 3) प्लस √(x - 3), तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे प्लस √(x - 3) का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है, a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है a² - b², अलग अलग स्क्वायर आता है। ओके, अब यहाँ पे हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस तरह से a² यानी कि ये आ जाएगा √(x + 3) का स्क्वायर प्लस 2a और b है x - 3 प्लस b² और b² में भी √(x - 3) का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 - x - - + 3, तो इससे x प्लस में माइनस में कैंसिल, स्क्वायर या रूट से कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया x + 3 + 2 × (x + 3) × (x - 3) और यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो x - 3 और डिनोमिनेटर में सिर्फ 3 + 3 = 6 रहेगा। इस तरह से +3 - 3 ये तो कैंसिल हो गया, x + 2 × (x + 3) × (x - 3) / 6। तो स्टूडेंट ये यहाँ तक सिंप्लीफाइड आंसर है, लेकिन जो बुक में आंसर गिवन है उसमें क्या है कि न्यूमरेटर को फॉर्मूला ओपन नहीं किया, यानी कि यहाँ तक ही न्यूमरेटर को छोड़ा हुआ है √(x + 3) प्लस √(x - 3) का होल स्क्वायर / 6, यही पे छोड़ा हुआ है। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे लाके भी सॉल्व कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। नाउ मूविंग टुवर्ड दिस सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं और इस पे है हमारे पास अंडर रूट y square plus 5 minus y upon under root y square plus 5 और प्लस y के साथ। अब एक स्टेप आप लोग जरा खुद कीजिएगा यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिएगा कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे हम इसको इसके कॉन्जुगेट के साथ। तो कॉन्जुगेट क्या है, माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में भी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 और साथ में माइनस वाई। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी दोनों सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टर्म है तो हमने होल स्क्वायर में लिख दें। और डिनोमिनेटर में ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा वाई, माइनस बी स्क्वायर। तो अब हम न्यूमरेटर का ओपन नहीं करेंगे फॉर्मूला, क्योंकि बुक में जो आंसर है उसमें न्यूमरेटर का फॉर्मूला ओपन नहीं किया हुआ, उसमें यही आंसर है इसी तरह से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस स्क्वायर वाई ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आएगा 5 इस तरह से। तो ये सिंप्लीफाइड आंसर है, इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे। अब अगला पार्ट 3 करने जा रहे हैं, और पार्ट 3 का जो क्वेश्चन है ये है हमारे पास 10 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे है 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। अब उसी तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो बीच में प्लस आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36, और डिनोमिनेटर में भी 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 के साथ, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर। अब ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में हम इसको ऐसे किस रखेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारे पास, 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36। तो प्लस का 36 माइनस का 36 तो कैंसिल। अब ये जो माइनस है इसको हम न्यूमरेटर में इस तरह से लिख सकते हैं कि माइनस हम यहाँ सेंटर में लिख दें, और 10 को मल्टीप्लाई 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, और डिनोमिनेटर में आ गया वाई स्क्वायर। इस तरह से ये इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। तो दिस इज द मेथड टू सॉल्व कि अगर हमारे पास रैशनलाइजेशन के जरिए से किस तरह से सॉल्व हो सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 4, और पार्ट नंबर 4 में जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है 5 अपॉन 6 प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36। तो अब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या होगा, बीच में प्लस है तो अब ये माइनस हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, और इसी से ही हम डिवाइड भी करवाएंगे, 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, राइट। तो न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 के साथ, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी। अब डायरेक्ट हम फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियोस में हमने बहुत दफा उसको डिटेल से सीखा, अब हम डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ, तो ऊपर बचा 5 × 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, और डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 36, तो ये इससे कैंसिल हो गया। सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर बचा, तो माइनस को हम यहाँ बीच में लिख देते हैं और 5 × 6 माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 36 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा वाई स्क्वायर। और ये भी इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट है। नाउ नंबर 5 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 5 में जो हमें गिवन है ये है 15/3 माइनस 2 √2 और माइनस 5/3 प्लस 2 √2। तो पहले तो हमें जो ब्रैकेट हमारे पास है या डिनोमिनेटर हमारे पास है इसका एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 3 - 2 √2 और दूसरा ब्रैकेट है 3 + 2 √2। एलसीएम ले रहे हैं और 15 मल्टीप्लाई होगा 3 + 2 √2 से और -5 मल्टीप्लाई होगा 3 - 2 √2 से। अब ये ओपन करते हैं। 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30 √2, -5 × 3 = 15, -+5 × 10 √2 और डिनोमिनेटर में वही फॉर्मूला a - b a + b, a² - b², इस तरह से। अब 45 - 15 इज 30 और 10 है ये, और ये 30 √2 10 √2, 30 + 10 इज 40 √2 और डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और साथ में √2 से स्क्वायर √2 से कैंसिल होकर सिर्फ 2 बचेगा। तो ये हमारे पास रहेगा 30 + 40 √2 और डिनोमिनेटर में 9 - 4 = 8, 9 - 8 करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो सिर्फ बचेगा 30 + 40 √2। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 30 + 40 √2। यही हमारे पास इसका रिजल्ट है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, यहीं पे कर लेते हैं और ये लास्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं और पार्ट नंबर 6 में जो क्वेश्चन हमें गिवन है, पार्ट नंबर 6 और क्वेश्चन है इसका 6/12 + √6 -3/12 -√6। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 12 + √6 और साथ में 12 - √6, 6 मल्टीप्लाई होगा 12 - √6 के साथ। जिस तरह से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लिया जा रहा है 12 + √6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 12 × 6 = 72 -6 √6 फिर 12 × 3 ये हो जाएगा 36 और साथ में ± -3 √6 और डिनोमिनेटर में उसी तरह से a + b a - b, a² - b², b² क्या है √6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 72 - 36 ये हो जाएगा 36 और 6 √6 -3, तो ये -6 - 3 -9 √6 और डिनोमिनेटर में 12 का स्क्वायर 144 और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होके सिर्फ 6 रह जाएगा। फिर अगले स्टेप में 36 - 9 √6, 144 -6 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 138। अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं न्यूमरेटर से, तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 12 बचेगा और 3 × 3 = 9 √6 और डिनोमिनेटर में 138। तो अब ये 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18। फाइनल आंसर जो हमारे पास आएगा 12 - 3 √6 / 46। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 भी कंप्लीट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 6 हमने कंप्लीट किया है। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स हमने कर लिए। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4 हमने कंप्लीट कर ली है। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक मेरी वीडियो देखी।